है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की, यह बहुत लोगों को विपरीत धारणा हो सकती है, होती है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। इसलिए कि प्राय करके हम उस मूल सिद्धांत की ओर दृष्टि नहीं ले जा पाते, इसलिए वह गलत धारणा हो सकती और उस सिद्धांत की ओर दृष्टि जाने के उपरांत भी हम उसको कभी कभी बाहरी निमित्त के कारण स्वीकार भी नहीं कर पाते। कुछ भी हो, ये निश्चित है किसी को उष्णता का अथवा किसी को शीत का अनुभव हुआ। वह अनुभव क्या है ये तो शास्त्रीय पद्धति से कहने में हम कभी सफल नहीं हो पाते, फिर भी जिसको शीत का और उष्णता का अनुभव हुआ उसे पूछा जाए कि किस बात की अनुभूति हो रही है आपकी, तो यही कहेगा शीत लहर चल रही है इसलिए शीतलता का अनुभव हो रहा, और कभी तापमान इतना जितना खूब कह रहे हैं 46-47 के ऊपर भी पहुंच रहा है, 48 है, अच्छा दो कम है अभी, बहुत अच्छा। अब उष्णता का अनुभव तापमान के कारण हो रहा है, यह एक सामान्य नियम है। विशेष नियम तो यह है, गर्मी के दिनों में भी सर्दी लग सकती है। कैसे लग सकती है महाराज, तो 50 डिग्री के चलते हुए भी शीत का अनुभव किया जा सकता है, करते हैं। कैसे हो सकता है, तो आपके भीतर एक नाम कर्म है उसका यही काम होता है, यदि शीत नाम कर्म का उदय रहेगा उदीर्ण रहेगी तो शीत का ही आपको अनुभव होगा, भले ही वहाँ पर तापमान 50 को छू रहा हो, एकदम अटपट सा लगा ना। लेकिन आप कर्म को मानते हो क्या? नहीं महाराज, हम कर्म को भी मानते हैं और लौकिक धर्म को भी मानते हैं। तो लौकिक धर्म को आप हमेशा मान मान करके विश्वास में लाए हो, अभ्यास में आ गया हो, इसलिए उसी ओर चित्त चला जाता है। किंतु कर्म सिद्धांत को तो जानता है, वह कहता है ये तापमान भले ही है लेकिन वह उष्णता की उदीर्णा में कारण हो सकता है,
लेकिन उदीर्ण हो ये नियम नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आचार्य कहते हैं यह बाहर का नौकर्म माना जाता है और भीतर का कर्म माना जाता है। हमारे लिए जो चेतना का संवेदन होगा वह कर्म फल चेतना का होगा, किंतु नौकर्म फल चेतना का नहीं होगा। महाराज इस प्रकार यदि आप कहोगे फिर हर स्वाद के साथ भी यही होगा, हम बाहर से आम खा रहे हैं और भीतर से यदि मान लो अनुभव नहीं होता तो ये तो फालतू हो जाएगा। हम पैसा खर्च करके ले आए, बिल्कुल ले आए हैं, लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं भीतर से यदि जो स्वाद का उदय होगा, रस का, उसी का आपको अनुभव होगा। मैं आम देख देख करके उठा करके ले आए, एक रुपये और ज्यादा दे दिया, हाँ दे दिया होगा, ज्यादा पैसा हो गया होगा, दे दिया होगा, लेकिन वह स्वाद नहीं आ सकता। उसके कारण मिठास का स्वाद आ सकता, ये उदीर्ण मिठास के होने के कारण है। इसलिए साधु लोग जो कुछ भी होता है उसमें समता धारण करते हैं और आप लोग इसको उस रूप में स्वीकार करके फिर बाद में समता लोग रखते हैं। हम अकाल में भी, बेमौसम में भी स्वाद का अनुभव भिन्न भिन्न करते हैं। ये आप साहूकार हैं, लेकिन हम कड़वे में भी मिठास का और मिठास में भी और डबल मिठास का हमेशा हमेशा अनुभव करते हैं बिना पैसे खर्च किए। लेकिन ये ध्यान रखना, आप लोग थोड़ा सा पैसा खर्च करते हैं और बैलेंस भी कितना रहता तो भगवान जानते हैं, या तो आपका होनहार भगवान जानता हो, लेकिन हमारे पास मन से, वचन से, काय से जो रखने का भाव था उसको तो हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। इसीलिए स्वाद अलग क्वालिटी का आता है, चाहो तो देख लो आप भी। लेकिन बहुत कठिन है महाराज, इस हाथ में भी हम लड्डू रखते हैं और इस हाथ में भी लड्डू रखते हैं, जैसे आपकी इच्छा, लेकिन स्वाद यदि आएगा तो यहीं पर आएगा, देख लेना। तो इस प्रकार नो कर्म के ऊपर ज़्यादा भरोसा न रख करके कर्म के ऊपर रखेंगे तो बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ, क्योंकि गर्मी में बैठे हैं आप लोग भी। अहिंसा परमो धर्म की